इसकी व्यवस्था ठीक की जाए। मुझे बैठने वगैरह की व्यवस्था भी ठीक नहीं लगी। मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों को इंसानों के साथ ट्रीट करने का तरीका आना चाहिए। ये बयान दमोह जिले के कलेक्टर सुधीर कोचर का है। हाल ही में कलेक्टर साहब एक हॉस्पिटल में निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां उन्हें कई सारी अनियमितताएं देखने को मिली थी। निरीक्षण के बाद उनका दिल पसीज गया और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर इंसानों को ढंग से ट्रीट नहीं कर सकते तो हमें प्रशासन करने का हक नहीं। इसकी व्यवस्था ठीक की जाए। मुझे बैठने वगैरह की व्यवस्था भी ठीक नहीं लगी। मतलब क्या है कि मतलब हम लोगों को इंसानों के साथ ट्रीट करने का तरीका आना चाहिए। मतलब हम यदि इंसानों के साथ ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते तो हम प्रशासन करने लायक है नहीं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कोई महिला नीचे बैठी है और कोई कहीं बैठी है, कोई कहीं बैठी है और वो सब कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसे डिपेंडेंट हैं हमारे ऊपर कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। ये चीज़ें देख करके बहुत दुख होता है मेरे को। मैं क्या बोलूँ आपसे, लेकिन मैंने कहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं, उन लोगों को निर्देश दिए हैं कि ये चीज़ें ठीक हों, क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होगा हम कितनी बातें कर रहे हैं, चीज़ें धरातल पर सुधरने वाली हैं। तो मैंने यही निर्देश दिए हैं कि आगे जब भी शिविर होंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर महिला, जिस महिला को यहाँ आना था वो महिला यहाँ पर आए। ऐसा ना हो कि महिलाओं को घंटों बैठे रहना पड़े। कोई सुबह 10 बजे से आया है, वो शाम को 4 बजे तक बैठा हुआ है, एक 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 करके वो रास्ता देख रहा है, चीज़ों का भीड़ लगी हुई है, लाइनें लगी हुई हैं। यदि हम इसकी व्यवस्था सही तरीके से नहीं करें तो हमारे ये प्रोग्राम कभी सफल नहीं हो सकता। तो इस संबंध में मैंने निर्देश दिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग आगे ठीक काम करेंगे और व्यवस्थाएं बेहतर। मुख्य रूप से सर बिल्डिंग, यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बर्सल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।